और आज तुम्हारे भाई ने पहनी है डैमेज जीन्स और लग रहा है भिखारी हूँ मैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डैमेज है। भिखारी तो हो ना। भिखारी हूँ, ये लोग हमको भिखारी से अमीर बना देंगे धीरे धीरे। निकल चुके हैं अनी के नानी के घर से और ये हमारे साथ अनी। और रोड देख लो भाई, बहुत खतरनाक रोड है, खट 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 की आवाज़ आ रही है। हमें लग रहा है इसका स्टैंड गिर ना जाए। और बाइक देख लो भाई, बाइक देखो प्लस व्यू देखो भाई, कितना खतरनाक है। और आज आपको अंदर दिखाते हैं फ्लैश चला के, क्योंकि उस दिन फ्लैश था ना। तो ये देखो, ये हमारे हनुमान जी हैं और इनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली आज दिन की बात हो रही है हमारी स्कूटी से और हम जा रहे हैं भगवाली। भगवाली यहाँ से आज के कुछ इस टाइप की जगह पे और रोड भाई देख लो, इतनी भयंकर ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे रोड है। सब गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं और पता नहीं कैसे यहाँ से लोग निकलते हैं। और ये आज की रोड नहीं ख़राब है, काफ़ी टाइम से ख़राब है और पता नहीं लोग यहाँ से कैसे निकलते हैं। और यहाँ चलना तो काफ़ी मुश्किल है। और ये देखो यहाँ पर नहर देख लो, पता नहीं नहर है कि नाला है, बम्बा है, क्या है मुझे पता नहीं, गाँव की साइड क्या ही बोलते हैं मुझे पता नहीं, आई होप नहर होगी ये। और अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं सारा सीन, अभी ये कष्टदायी रोड को क्रॉस करते हैं, फिर मिलते हैं आगे आपको। अभी निकल चुके हैं अनी के नानी के घर से और ये हमारे साथ अनी। और रोड देख लो भाई, बहुत खतरनाक रोड है, खट 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 की आवाज़ आ रही है। हमें लग रहा है इसका स्टैंड गिर ना जाए ज़मीन में। और अनी कैसा लगा तुम्हें अपनी नानी के घर, क्यों कैसा लगा? कहाँ बाबा की दुकान? अच्छा तो अनी के बाबा की दुकान होगी यहाँ पे, अनी के बाबा की नहीं, अनी के नाना की दुकान है यहाँ पे। तो भैया ये रोड देखो बहुत भयंकर खतरनाक, और बारिश हुई है ना तो कीचड़ कीचड़ हो गया, देखो हर जगह किनारे रोड के कीचड़ ही कीचड़ है। फिर हम निकलते हैं अनी के नानी के घर से और पहुँचते हैं घर और फिर मिलते हैं आपसे। अब फाइनली पहुँचने वाले हैं हम घर और यहाँ पे आ चुके हैं अपने घर के करीब, थोड़ा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बचता है हमारा। एक सीन हो गया, यहाँ आए थे और क्रॉसिंग है बंद। और ये देख लो इधर ट्रेन आ रही है और ये क्रॉस होती है, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। फाइनली अब क्रॉसिंग खुलने वाली है और हम यहाँ से निकल लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, देख लो खुल गया भैया गेट, निकल लो। अभी आ चुके घर पे और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम, और धूप में आने से हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और फिर शाम को निकलते हैं। और अभी तो यहाँ पे रेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं किया तो भाई उठने के काबिल नहीं आएंगे। तो तब तक के लिए बाबा मिलते हैं शाम। अभी समय हो रहा है शाम का 6:47 और अभी हमारा भाई नहा धो के ऑल सेट बाइक से आ जाए हैं, स्कूटी से नहीं, क्योंकि स्कूटी की बैटरी थी लो। और ये लड़की भी हमारे साथ आई है। और आज भाई मंदिर आया शाम को और मेरा तो दिल्ली का रूटीन है मंदिर आने का, मैं अब डेली ब्लॉगिंग में दिखाऊंगा मंदिर आपको जो मैं आता हूँ ना। पहले मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करता था तो इसलिए आपको पता भी नहीं होगा मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में। और भाई धुली धुलाई बाइक है, अब मन नहीं कर रहा है यहाँ से निकालने का, एक बार आगे देख आते हैं अगर कोई रास्ता हुआ तो निकालेंगे, नहीं तो भाई। और व्यू चेक करिए भाई, मस्त व्यू है, बादल ही बादल, जुगाड़ मिल हमारी, ये जुगाड़ मिला है, ये देसी जुगाड़ मिल चुका है हमको। आगे से यहाँ से टर्न ले लेंगे, लोग पकड़ो जरा फोन दिखाना आराम से। ये देखो सस्ता ऑफ रोड, इधर दिखा दो, पानी पानी भरा है और हमारी धुली हुई बाइक पूरा गंदी हो जाती है। अभी आ चुके हैं कुछ जिस टाइप की रोड से, रोड क्या है ही नहीं, रोड ऑफ रोड है ये तो, भयंकर ऑफ रोड आज बाइक से। आप लोग भी बोल रहे हो कि मंदिर कहाँ पे है, लेकिन भाई बहुत दूर है मंदिर, थोड़ा आउट एरिया में पड़ जाता है, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं आता हूँ यहाँ पे तो यहीं आता हूँ मैं। और ये देखो पेड़ वही। तो भाई अभी फिर खड़ी करते हैं अपनी बाइक को पार्किंग एरिया में, हालांकि ये पार्किंग एरिया नहीं है, मैं इसको बार बार पार्किंग एरिया बोलता हूँ बिकॉज यहाँ पे फील्ड है तो पार्किंग एरिया ही मेरे लिए है। तो अभी फिर से वही अपना डेली का रूटीन, हाथ पैर धुलते हैं, फिलहाल नहा धो के आए हुए हैं। और आज तुम्हारे भाई ने पहनी है डैमेज जीन्स और लग रहा है भिखारी हूँ मैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डैमेज है।
भिखारी तो हो ना। भिखारी हूँ, ये लोग हमको भिखारी से अमीर बना देंगे धीरे धीरे, अगर ब्लॉगिंग मेरी अच्छी गई तो फिर तुम अपने काम पे लग जाओ और नल चला दो जरा। तो डेली का रूटीन है मेरा, हाथ धुलता हूँ यहाँ पे आके और पैर धुल लेता हूँ और थोड़ा जल छिड़क लेता हूँ ताकि मैं पवित्र हो जाऊँ। तो यहाँ पे पैर वैर धुलते हैं, तुम्हें भी धुल। हाँ तो फिर आते हैं यहाँ, बहुत झाड़ी वाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा है और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी आज बहुत ज़्यादा फुल है, तो देखते हैं स्टोरेज प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है। और बाइक देख लो भाई, बाइक देखो प्लस व्यू देखो भाई, कितना खतरनाक है। देखो बाइक देखो कितनी खतरनाक लग रही है भाई आज, भयंकर। तो अभी चलते हैं मंदिर और मंदिर का व्यू दिखाते हैं आपको कि कैसा है भाई। और मंदिर में तो शाम को अंधेरा ही रहता है और भाई यहाँ पे थोड़ा पेड़ वेड़ है तो गंदगी भी हो जाती है थोड़ा बहुत। नीम है, नीम से निमकौरी गिरती है भाई और बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और फिर आते ही भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं और आज आपको अंदर दिखाते हैं फ्लैश चला के, क्योंकि उस दिन फ्लैश था ना। तो ये देखो ये हमारे हनुमान जी हैं और इनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। और इधर हमारे लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी, सो ये तीनों लोग हैं। तो अभी यहाँ पे करते क्या हैं, यहाँ पे आरती वारती करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे भी बारिश हो चुकी है स्टार्ट और ये मंदिर से हम लोग निकल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है तेज़, बट हमको लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो अभी बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट और धीरे धीरे निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि तेज़ बारिश है ना, इससे पहले हम घर पहुँच जाएँ सेफली। एक मिनट पकड़ना फ़ोन, बाइक बंद हो रही है। यहाँ पे देर तक रुकना ठीक नहीं है, सनसेट होने वाला ही है। और अब बारिश की बूंदे देखो भाई, एक अलग चीज दिखाऊं मैं, उधर देखो सनसेट हो रहा है और इधर बारिश हो रही है, नया एक अजूबा है व्यू। देखो बादल ही बादल हैं और अपन फिर से वहीं से ऑफ रोड करते हुए वहीं से निकालेंगे बाइक, घर से निकालना ना बाइक पूरा गंदी हो जाएगी। और यहीं से हम निकाल लेते हैं धीमे से आराम से, अगर गिर गया ना तो व्लॉगिंग हमारी धरी की धरी रह जाएगी। ले पकड़ो जरा, तो फाइनली अब यहाँ से निकल लेते हैं और रोड पे आ चुके हैं बिना बाइक को गंदा किए हुए। और आगे देखते हैं क्या हमारी बाइक गंदी होती है या नहीं होती है। और अभी चल रहा है बारिश में, हल्की हल्की बूंदे गिर रही है ऊपर से, बट अभी भीगे नहीं है हम लोग, प्रॉपर मज़ा आ रही है, हल्का हल्का सुरूर सा गिर रहा है तो मज़ा आ रहा है, फिलहाल भीगे नहीं है अभी गाइस। तो देखते हैं क्या, भीग जाते हैं घर तक जाते जाते। और ये देखो काफ़ी दिनों बाद बाइक निकालो ना तो एक तेज़ चलाने का मन करता है, बट अभी तेज़ चलाएंगे नहीं क्योंकि रोड है गीली और अगर फिसल गया ना तो हमारी ब्लॉगिंग बहुत तगड़ी बन जाएगी, नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, एक कंटेंट निकल के आ जाएगा कि भाई राइडर गिर गया। सो ऐसा कुछ नहीं करना है, आराम से यहाँ से निकल लेते हैं। और ये भाई बहुत डेंजरस जोन है, यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे अच्छे काफ़ी ज़्यादा बिना रोड देखे क्रॉस करने लगते हैं। तो ये जल्दी से निकल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब आसपास वाले देख रहे हैं, कह रहे हैं ये बंदा क्या कर रहा है भाई। तो यहाँ पे कैमरा कर देते हैं आप और आगे करते हैं कहीं स्टार्ट।